प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसे लोग शराबी और बुरा इंसान समझते थे, और जब उसका इंतकाल हुआ तो लोग उसके जनाजे पर थूक रहे थे। लेकिन जब सच्चाई सामने आई, जब उसके बारे में लोगों को पता चला, तो वो लोग हैरान रह गए और पछताने लगे। तो दोस्तों, पूरा वाकया क्या था ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, काफी वक्त पहले की बात है, मुल्क इराक में एक सुल्तान था, बादशाह था, जो अपनी आवाम से बहुत मोहब्बत करने वाला था। अगर उसके लोगों को कोई परेशानी पेश आती तो उसको दिली तौर पर इस बात की खबर हो जाती। एक बार ऐसा हुआ कि तहज्जुद के वक्त अचानक उसकी आँख खुल गई और उसे घुटन महसूस हुई। वो सोचने लगा, या अल्लाह, ये क्या मामला है, मैं अपने दिल में बेचैनी क्यों महसूस कर रहा हूँ। ये सोचकर उसने वजू किया और नमाज तहज्जुद अदा की, लेकिन घुटन कम ना हुई। उसे महसूस हुआ कि मुझे अभी महल से निकल जाना चाहिए। वजह पता नहीं चल रही थी। उसने अपने एक सिपाही को बुलाया और कहा कि आज मैंने गलियों में घूमकर देख लिया, लेकिन मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आई, मगर मेरा दिल घबरा रहा है। मैं तो सो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है, कोई है जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है और लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। तो सिपाही कहने लगा, चलिए फिर से चलते हैं। तो वो सुल्तान कहने लगा, अभी नहीं, फजर की अजान हो जाए, उसके बाद चलेंगे। सिपाही ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। फजर की अजान हुई, उन्होंने नमाज अदा की और फिर भेष बदल कर इराक की गलियों में निकल पड़े। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा दिल इतना क्यों घबरा रहा है। लेकिन जब शहर के दूसरे किनारे पर पहुंचा तो देखा कि एक बहुत बड़ी अंगूर की घनी बेल है, उसके नीचे एक आदमी गिरा पड़ा है। बादशाह करीब गया और सिपाही से कहा कि देखो, ये बेहोश है या मर चुका है। सिपाही ने करीब जाकर देखा तो वो सांस नहीं ले रहा था। सिपाही बोला, सुल्तान ये मर चुका है। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि अगर हम वक्त से पहले पहुंच जाते तो शायद ये बच सकता था। बादशाह को ये बात अजीब लगी कि अंगूर की बेल के नीचे एक आदमी मुर्दा हालत में है। उससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि फजर की नमाज के बाद जितने लोग वहां से गुजर रहे थे, जिन्होंने नमाज पढ़ी थी या जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी थी, वो सब लोग उस मुर्दे पर आवाजें कसते हुए जा रहे थे। लेकिन वो लोग बादशाह को नहीं पहचान पाए, क्योंकि बादशाह ने हुलिया बदला हुआ था। उसको बड़ी हैरत हुई कि लोग इसको जानते हैं और इस तरह मुर्दा पड़ा हुआ है, इसे उठा नहीं रहे हैं बल्कि आवाजें कस रहे हैं। वो हैरत में डूबा हुआ था। उसने उन लोगों को अपने पास बुलाया और कहा कि इधर आओ भाई। लोग उसके पास आकर जमा हो गए, लेकिन वो सुल्तान को पहचान नहीं पा रहे थे क्योंकि उसने भेष बदला हुआ था। लोगों ने पूछा, क्या बात है, हमें क्यों बुला रहे हो। सुल्तान ने कहा, इस दरख्त के नीचे ये आदमी मुर्दा पड़ा है, यकीनन इसकी मौत की खबर तुम सबको है, लेकिन तुमने इसे उठाया क्यों नहीं। कौन है ये शख्स और इसके घर वाले कहाँ है। तुम क्यों इसको बुरा भला कह रहे हो, क्यों लान तान कर रहे हो, क्या तुम्हारी इंसानियत मर गई है। लोगों ने कहा, आप नहीं जानते, लगता है इस शहर के नहीं है, ये बहुत बुरा और गुनाहगार और जानी इंसान है, ये शराबी है। सुल्तान ने कहा, क्या ये उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से नहीं है, क्या तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें इस बात का दर्श नहीं दिया कि इंसानियत भी कोई चीज होती है। यहाँ पर यह मुर्दा पड़ा है, लेकिन किसी को तौफीक नहीं हुई कि इसके कफन दफन का इंतजाम करे या इसके घर वालों को इस बात की खबर करे। चलो इसे उठाओ और बताओ कि इसका घर कहाँ है। ना चाहते हुए भी लोगों ने सुल्तान के लहजे से मुतासिर होकर उसे उठा लिया और घर की तरफ चल पड़े। लोगों ने मैयत घर तक पहुंचा दी। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से उसकी बीवी निकली। उसकी बीवी ने अपने शौहर की लाश देखी तो रोने लगी। लोगों ने कहा, बिला वजह रो रही है, अरे किसी बदबख्त के लिए रोने से बेहतर है कि इंसान इसकी मगफिरत के लिए दुआ कर ले, ना जाने बख्शा जाएगा भी या नहीं। बहुत बुरी हालत में दुनिया से गया है।
सोचो, अंगूर की बेल के नीचे मौत हुई है। लोगों ने कहा, हमने इसे यहाँ तक पहुँचा दिया है, अब हम इसके जनाजे में शरीक नहीं होंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे कब्र में भी सांप बिच्छू आए। ये बहुत बड़ा बदकार था। हम इसकी नमाज जनाजा में शरीक नहीं होंगे। आप इसको यहाँ तक लेकर आए, आप जाने और इसकी बीवी जाने। ये कहकर लोग वहाँ से चले गए। लोग तो थू थू करते हुए जा रहे थे, लेकिन सुल्तान को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इसकी बीवी इतना तड़प कर क्यों रो रही है। कोई तो वजह होगी। थोड़ी देर बाद जब वो खामोश हुई तो सुल्तान ने कहा कि क्या तुम मुझे बताओगी कि इसके साथ क्या मामला हुआ है। एक दरख्त अंगूर की बेल के नीचे इसकी मौत हुई है, क्या वजह है, क्या तुम बता सकती हो। वो औरत कहने लगी, मैं गवाही देती हूँ कि बेशक ये नेक लोगों में से है। अब तो सुल्तान को और ज्यादा हैरत हुई। सुल्तान ने कहा, अभी लोग जो बातें कर रहे थे वो बातें मैंने सुनी, और लोग इसे बुरा भला कह रहे थे कि ये शराबी था, जानी था, औरतों के पास जाता था, हर रात किसी औरत के पास जाकर बदकारी करता था, फिर ये शराब भी पीता था, शराब को बेचता भी था, कारोबार भी इसका हराम था, और तुम कह रही हो कि ये नेक लोगों में से है। मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है। लोग इसके बारे में ये बातें कर रहे थे और इसकी मैयत को हाथ लगाने तक तैयार नहीं। तुम देख रही हो कि थूकते हुए गए हैं इसकी लाश पर। बीवी ने कहा, मुझे लोगों से यही तवक्को है, क्योंकि लोग जो देखते हैं वो उन्हें नजर नहीं आता, और इसने मरने से पहले मुझे कहा था कि मेरे बारे में किसी को नहीं बताना, ये मेरा और अल्लाह रब्बे करीम का मामला है। हाँ, जब मेरी मौत हो जाए और लोग मेरी मैयत को हाथ ना लगाए तो एक खास शख्स को मेरे पास भेजा जाएगा कि वही मेरे लिए दुआए मगफिरत करे, वही नमाज जनाजा को पढ़वाए, और वही शहर के बड़े बड़े आलिम दीन को यहाँ पर बुलाए। असल में हकीकत यह है कि मेरा शौहर हर रोज शराब खाने जरूर जाता था। लोग समझते कि शराब का कारोबार करता है, शराब को पीता भी है, पिलाता भी है, लेकिन ये शराब खाने इसलिए जाता था कि जितना हो सके शराब खरीदे और घर लाकर फेंक दे, क्योंकि लोग जो देखते हैं उन्हें वही नजर आता है। असल में हकीकत यह है कि मेरा शौहर हर रोज शराब खाने इसलिए जाता था कि जितना हो सके शराब खरीदे और घर लाकर फेंक दे। लोग तो यही देखते हैं कि ये शराब खाने जा रहा है और वहाँ से शराब घर भी ला रहा है, लेकिन घर में क्या मामला हो रहा है वो लोगों को नहीं पता था। वो तो सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है। मुझे और मेरे शौहर को पता था। मेरा शौहर कहा करता कि चलो, कुछ तो गुनाहों का बोझ मुसलमानों से हल्का हुआ। मैं शराब खाने गया हूँ और अल्लाह ने मुझे जितना नवाजा हुआ है, अपने उन पैसों से शराब खरीद कर लाकर मैंने यहाँ पर दफन कर दी है। कम से कम जितनी शराब यहाँ पर दफन हुई है, इतने लोग शराब तो नहीं पी सकेंगे। इस गुनाह को कम करने में मैं कुछ तो किरदार अदा कर रहा हूँ। बादशाह ने कहा, और फिर वो बदकार औरतों के पास जाना क्या तुम्हारा शौहर जानी नहीं था। औरत ने कहा, हरगिज नहीं, वो जानी नहीं था, बल्कि जिना को पसंद ही नहीं करता था। वो हर रात एक बुरी औरत के पास जाता जो अपने जिस्म का सौदा करती थी, और यहाँ के रहने वाले लोग जो दिन की रोशनी में खुद को बहुत शरीफ जाहिर करते हैं, वो लोग रात में उस औरत के पास जाते। मेरा शौहर उस औरत को उजरत देता। अल्लाह ने मेरे शौहर को बहुत नमाजा हुआ था, पैसों की कमी नहीं थी। उसने उन पैसों को उन औरतों को देकर गलत काम छोड़ने के लिए मजबूर किया। वो कहता था कि ऐ औरत, मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ जिसके लिए तू अपने आप को बेच रही है, तू ये काम ना कर, तू मुझसे पैसे ले, उजरत ले और अपना दरवाजा बंद कर ले, कोई तेरे पास ना आए। मेरे शौहर को उस बदकार औरत के पास लोग देखते और यही समझते कि वो अंदर चला गया है और जिना कर रहा है, जबकि मेरा शौहर उसको बहन बनाकर ये कहता कि मेरी बहन, तेरे रिजक का इंतजाम तो अल्लाह ताला करेगा, और तेरा ये भाई हर रात तुझे उजरत देता रहेगा, बस तू अपने दरवाजे को किसी नामहरम और गैर शख्स के लिए नहीं खोलेगी। औरत को पैसे मिल जाते और उस रात को जिना नहीं करती। मेरा शौहर कहा करता, अल्हम्दुलिल्लाह, आज उस औरत का और नौजवान मुसलमानों के गुनाहों को मैंने कुछ तो रोका। लोग उसको उन जगहों पर आता जाता देखते थे। मैं उससे कहती कि याद रख, जिस दिन तू मर गया तो लोगों ने ना तुझे गुसल देना है
ना तेरी नमाज जनाजा पढ़नी है और ना तुझे दफनाना है। वो मुस्कुरा देता और मुझसे कहता, घबरा मत, तुम देखोगी कि मेरा जनाजा बड़े बड़े उलमाए इकराम और वक्त के सुल्तान पढ़ेंगे। ये सुनकर सुल्तान रो पड़ा और कहने लगा कि उसने सच कहा था, मैं ही वो सुल्तान हूँ। मेरे दिल में कल अजीब सी घुटन हुई, तहज्जुद के वक्त मुझे बेदार किया गया, मेरे दिल को तड़पा दिया गया। तू सच कहती है, कल हम इसको गुसल देंगे और हम इसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाएंगे और इसकी तदफीन भी करवाएंगे। तूने सच कहा कि अल्लाह ताला ने इसको जो मर्तबा दिया है वो लोगों की नजरों से पोशीदा है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अंगूर की बेल के नीचे इसकी मौत होने का क्या मकसद है। तो वो कहने लगी, ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि उस इंसान ने अंगूर से बनने वाली शराब यानी हराम चीज को खत्म किया, तो उसकी मौत इसी वजह से हो सकता है कि वहाँ पर हुई। ये सुनकर सुल्तान के दिल पर हैबत तारी हुई कि जिंदगी भर लोग जिसको बोलते रहे कि यह बुरा इंसान है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी मौत को कितना उम्दा किया। खुसूसी तौर पर शहर के सबसे मुआज़्ज़िज़ लोगों को उसके जनाजे में शिरकत के लिए भेजा गया। सबसे बड़ी बात कि सुल्तान के दिल में ये बात डाली गई, वो भी तहज्जुद के वक्त जब अल्लाह ताला अपने बंदों के करीब होता है। वही लोग जो उसको कोसते हुए जा रहे थे पलट कर आए और नमाज जनाजा हुआ। जाहिरी तौर पर अपनी आंखों से देखने वाले आज नादिम थे कि हम इसको बुरा भला कहते रहे। अरे इसके जनाजे को तो वक्त का बादशाह, वक्त के वाली उलमा इकराम ना जाने कितने खास लोग पढ़वा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। सुल्तान अपने महल आ चुका था। जब वो सोने लगा तो सोते सोते उसे एक ऐसा ख्वाब नजर आया, यानी ना वो सो रहा था ना जाग रहा था, और उसी हालत में उसने एक ऐसा ख्वाब देखा कि खूबसूरत सा बाग है और वहाँ पर बड़े बड़े महल बने हुए हैं, और एक शख्स खूबसूरत सा लिबास पहने हुए सुल्तान के पास आकर शुक्रिया अदा करने लगा कि सुल्ताने वक्त अगर आप नेक ना होते तो अल्लाह ताला आपको मेरे बारे में कभी ना बताता। आप ही के सबक से अल्लाह ताला ने मुझे लोगों के सामने उन पर जाहिर कर दिया। बजाहिर तुम्हारे सामने अगर कोई शख्स ऐसा काम कर रहा है जो कि हराम काम है, लेकिन अल्लाह ताला जानता है कि क्या वो सच में हराम काम कर रहा है या फिर हराम काम से लोगों को बचा रहा है। आपका शुक्रिया। ये कहकर अल्लाह का वो नेक बंदा वहाँ से गायब हो गया। तो दोस्तों ये ख्वाब उस बादशाह को नजर आया, उस सुल्तान को नजर आया। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।